देश भर में गणेश उत्सव को लेकर धूम मची है, तो वही प्रयागराज में भी जगह जगह गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रयागराज में कई सालों से मुस्लिम परिवार मना रहा गणेश चतुर्थी का पर्व, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता मुस्लिम समाज दे रहा आपसी भाईचारा व शांति का पैगाम। हम लोगों ने बहुत अच्छे से आरती किया, हम लोग का ये शौक है, हर साल हम लोग के यहाँ गणपति बप्पा आए, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, और हम लोग क्या हर चीज़ एकता से बनाते हैं, हम लोग में बहुत एकता, हम लोग हर त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, चाहे ईद हो चाहे गणेश उत्सव। अच्छा, हमारे योगी जी हमेशा बढ़ावा देते हैं हर पर्व को, चाहे ईद हो चाहे होली, योगी जी को कितना धन्यवाद देंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में गणेश महोत्सव के दौरान मुस्लिम महिला ने भगवान श्री गणेश की आरती की, पूजा अर्चना की। इसके बाद बताया कि हम लोग हर साल सभी लोग मिलकर इसी तरह पूजा अर्चना करते हैं, और साथ ही साथ सभी त्योहार भी हम लोग एक साथ मनाते हैं। जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, वहीं प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं ने एक नया संदेश दिया है हिंदू मुस्लिम एकता का। देखिए ना, पहली बार हो रहा है, मगर पूरा सिविल लाइन्स, यहाँ तक कि चौक के लोग भी सब इकट्ठा आएंगे, समझ लीजिए। मगर ये खास तौर पे एक मुस्लिम भाई है, वही आ गए हैं, 3 साल से उनका प्रयास, आज जाके ये सफल हुआ, जो कि गणपति 2.5 दिन के लिए यहाँ पे रखे गए नवाब यूसुफ रोड में, और बहुत अच्छे के साथ, बहुत मतलब प्रेम पूर्वक साथ, समझ लीजिए, पूरा बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे गणपति मनाया जा रहा है। और हम तो चाहते हैं कि हर साल इसी तरह, इससे भी बड़े उस पे पैमाने पे हो गणेश चतुर्थी, हम तो यही चाहते हैं। ये जो पूजा अर्चना हो रहा है गणपति बप्पा को आज बैठाया गया है, ये हमारे मुस्लिम भाइयों के सहयोग से, और इस मोहल्ले में हर त्यौहार हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ईद, होली और गणपति बप्पा इस बार बैठाया गया है, और ये लोगों का सहयोग था, इन लोगों का मन था कि गणपति बप्पा यहाँ बैठाए जाए और अच्छे से पूजा, सब कुछ अच्छा से हो, अच्छा अच्छा सब कुछ बीतेगा। और बहुत बहुत सब लोगों का धन्यवाद, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम लोग हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे गणपति बप्पा रखा गया। क्या संदेश देंगी, क्या संदेश लोगों को, क्या संदेश रहेगा? हम यही चाहते हैं कि हमारे देश, प्रदेश, हमारे पूरे इंडिया में, भारत में सब लोग इसी तरह से मिलके मनाए, कोई भेदभाव न रहे, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं, पहले हम लोगों का खून सबका लाल है, हम लोग सब पहले भाई बने, फिर उसके बाद आता है मजहब, ये मजहब नहीं है, ये हमारा सब भाई बहन परिवार है। मेरा नाम स्मृति श्रीवास्तव। Yeah.